ऐसा लग रहा है मानो मौसम ने रिवर्स गियर लगा दिया हो। गर्मी और लू के बाद राहत की बूंदें पड़ती हैं, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। अप्रैल मई और आधे से ज्यादा जून ठीक ठाक बीता। देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश भी हुई, लेकिन अब एक बार फिर पारा 45 डिग्री पर लौट आया है। लोग मानसून के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। 8 सजी है, लोग मातम भी कर रहे हैं, और ये देखिए अर्थी भी निकल गई, वो भी पूरे गाजे बाजे के साथ। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर अर्थी के साथ ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। सच तो ये है कि आदमी जिंदा है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार में भीषण गर्मी से निजात दिलाने और बारिश के लिए लोग अर्थी वाला टोटका कर रहे हैं। जिंदे आदमी का मुर्दा निकाल रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, हम जरा सब दूर पानी गिर गया है। हमारे पास है सरदारपुर के अंदर, राजगढ़ के अंदर पानी नहीं गिरा है, सरदारपुर क्षेत्र में, इसलिए तो ये टोकता निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी भोपाल की झीलों के किनारे लोगों का रेला लगा रहता था, लेकिन अब वहाँ सब सूना पड़ा है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं, और भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इस वक्त अगर आप देखें तो वो है भोपाल की बड़ी झील। लेकिन मेरे ठीक पीछे जहां पर इस समय लोग बड़ी संख्या में घूमने आते थे, आप देखिए कैसे सुनसान पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, जबकि ये वो समय है जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आकर के सेल्फी खिंचवाते हैं। लेकिन बादल आते हैं मध्य प्रदेश में, ऊपर आसमानों पे बादल का डेरा होता है, वो छट जाते हैं और उमस भरी गर्मी से लोगों को फिर से परेशान होना पड़ता है। मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी, इतनी उमस है, और कि मतलब यहाँ मतलब आके भी ये लगता है कि और ज्यादा गलती कर दी हम। भीषण गर्मी से निजात के लिए कहीं लोग टोटके कर रहे हैं तो कहीं पसीना पोंछते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पिछले एक हफ्ते से गर्मी और उमस ने हाल बेहाल कर रखा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी लगातार बढ़ती नजर आती है। लोगों के आगे सिवाय जूस, पानी और ठंडी चीजों के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा। हम मौजूद है लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र में, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ लोग जो पहुंच रहे हैं दुकानों पे, खासतौर के जूस की दुकानों पे भीड़ बढ़ गई है, और गर्मी में हालात इस कदर खराब है कि लोगों के आगे अब पसीना पोंछने और पानी पीने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के तमाम हिस्सों में झमाझम बारिश हुई थी, बाढ़ के हालात बन गए थे, लेकिन अब गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। 2-3 घंटे में कम से कम 2-3 बोतल पानी पी चुका हूँ, और तब भी प्यास नहीं बुझ रही है, और अभी से अंदर से बाहर आया हूँ, और लेकिन इतना पसीना था, अंदर आ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से, 5 मिनट भी रहना उमस में दुभर हो रहा है, जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक आप नहीं चल सकते हैं। झारखंड में हफ्ते भर से सूरज की बादलों से लुका छिपी चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई है, लोग पसीने से तर बतर हैं। गर्मी लगातार बनी हुई है, लोग परेशान हैं, लोग कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार पसीना चल रहा है और उमस है उसके वजह से। जम्मू में गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है, पारा लगातार चढ़ रहा है, लोग कोल्ड ड्रिंक और गन्ने का जूस पीकर गर्मी भगाने की कोशिशों में लगे हैं। देश के कई भागों की तरह जम्मू संभाग भी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, पारा लगातार जो है वो बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। आज जम्मू में तापमान जो है 43 डिग्री को भी जो है पार कर चुका है, और साथ ही में हवा में नमी भी काफी ज्यादा है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। तेज धूप से बचने के लिए लोग छांव की तलाश में दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के चलते जूस की दुकानों पर चहल पहल बढ़ गई है। उधर राजस्थान के तमाम इलाकों में सूरज का पारा 7वें आसमान पर चला गया है। चूरू और जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। राजधानी जयपुर में भी सूरज का प्रकोप जारी है। गर्मी से राहत के लिए लोगों की नारियल पानी और लस्सी की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। राजस्थान के लिए जून महीने का आखिरी दिन जबरदस्त गर्मी का प्रकोप लेकर आया है। घर से निकले हुए मुश्किल से 4 से 5 मिनट होते हैं कि लोग पसीने में तर बतर हो जाते हैं, और ऐसे में जूस, नारियल पानी, गन्ने का रस और लस्सी छाछ बेचने वालों की पौबारा हुई हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से लस्सी की दुकान के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, ताकि बढ़ती हुई गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल पाए। हम तो क्या लस्सी लेने वाले और जो लोग हैं यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं पहले जी सर,
गर्मी की वजह थोड़ा प्रेशर है, बहुत ज्यादा है। नॉर्मली नारियल पानी का कई जगह नहीं मिल पाता, लस्सी मोस्टली इफेक्टिव है यहाँ पे हमारे ऑफिस के पास में, तो आई कैन कैरी दिस। बढ़ती गर्मी की वजह से लस्सी की बिक्री में खासा इजाफा हो गया है। पंजाब के अमृतसर में भीषण गर्मी से राहत के लिए देखिए बच्चों और नौजवानों ने ये कौन सा तरीका निकाल लिया। गर्मी से घर में रहना मुश्किल हुआ तो ये नहर पर आकर मौज मस्ती में लग गए। पुलिया से छलांग मारकर ये नहर में नहा रहे हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह, जयपुर से देवंकुर, रांची से सत्यजीत कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक।